स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश कोच का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है द फेलो ट्रेवलर। फेलो यानी कि सह, यानी कि साथी, और ट्रेवलर यानी कि यात्री। तो द फेलो ट्रेवलर माने सह यात्री, जिसमें राइटर एजी गार्डेनियर एक ऐसे सह यात्री के बारे में सोचता है जिसे उसने देखा नहीं, लेकिन जब उसे पता चलता है तो उसके मन में क्या क्या भावनाएं रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं द फेलो ट्रेवलर। लेखक सोचता है कि वो एक बार एक ऐसी ट्रेन से यात्रा कर रहा है जिस ट्रेन में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लग्जरी का सारा सामान मौजूद है। जिस समय वो ट्रेन लंदन से स्टार्ट होती है, यानी कि चलती है, उस समय बच्चों, एट दिस टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स वर प्रेजेंट इन दैट ट्रेन, यानी कि उस समय उस ट्रेन में बहुत सारे यात्री उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेन स्टेशन पर रुकती जाती है, एक एक करके उसमें से यात्री उतरते जाते हैं। As the train stopped in each and every station, the passengers got down one by one. And at last, the writer remained only one passengers in one compartment. लेखक सोचता है कि अब वो उस डिब्बे में केवल एकमात्र एक सह पैसेंजर है और उसके अलावा उसमें कोई दूसरा यात्री नहीं है। अब लेखक के मन में कुछ फीलिंग्स आती है। बच्चों, अगर सोचो, जब आप कभी घर पे अकेले हो, आप उस वक्त जो करना चाहते हो वो कर सकते हो बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वॉज नॉट अ सिंगल पर्सन टू सी यू और टू स्टॉप यू। सेम थिंग राइटर थॉट। अब वो सोचता है कि वो डिब्बे में क्या क्या कर सकता है। तो राइटर्स अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो डिब्बे में हर खिड़की को बार बार खोलता है, बंद करता है, दरवाजों को खोलता है, बंद करता है, कभी सिर के बल खड़ा हो जाता है, कभी सोचता है कि वो कंचे खेल सकता है, कभी सोचता है वो डिब्बे के एक एक कोने को एक एक करके चुन सकता है। इस तरीके से बच्चों, लेखक के मन में कई फीलिंग्स आती हैं, लेकिन लेखक इनमें से किसी भी काम को करता नहीं है। यानी कि ना तो वो कंचे खेलता है, ना वो जोर जोर से बात करता है, ना वो डांस करता है, ना वो सिर के बल खड़ा होता है, सिर्फ अपनी फीलिंग्स जाहिर करता है कि अगर वो डिब्बे में बिल्कुल अकेला है तो कुछ भी कर सकता है। अब बच्चों, टाइम पास करने के लिए राइटर अपना न्यूज़पेपर निकालता है, सीट पर बैठ जाता है, और जैसे ही वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करता है, वो न्यूज़पेपर फैलाकर अपने सामने रखता है, उसी वक्त एक सहयात्री आता है और राइटर की नाक पर बैठ जाता है। सोचो बच्चों, वो लेखक का सहयात्री कौन होगा? उस वक्त लेखक को पता चलता है कि लेखक उस डिब्बे में अकेला नहीं है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन होगा, व्हेन वाज द राइटर बिकम अवेयर अबाउट हिज फेलो ट्रेवलर? जी हाँ बच्चों, व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज रोड, द राइटर बिकम अवेयर अबाउट हिज फेलो ट्रेवलर। जब वो सहयात्री आता है, लेखक की नाक पर बैठता है, उस वक्त लेखक को पता चलता है कि लेखक उस डिब्बे में बिल्कुल अकेला नहीं है। और तब वो सोचता है कि वो तो बेकार में सोच रहा था कि वो डिब्बे में बिल्कुल अकेला है। लेखक उसे उड़ा देता है। अब क्वेश्चन होगा, व्हाट डिड द राइटर डू व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज रोच? आंसर होगा बच्चों, द राइटर फ्लिप्ड हिम ऑफ अबाउट हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि लेखक उस फेलो ट्रेवलर को उड़ा देता है। उसके बाद वो फेलो ट्रेवलर उस पूरे डिब्बे का एक अच्छी तरीके से एग्जामिन करता है, पूरे डिब्बे में घूमता है, बल्ब के पास जाके फड़फड़ाता है, खिड़कियों पे जाता है, दरवाजे पे जाता है, और वापस आकर दोबारा से लेखक के हाथ पर बैठ जाता है।
लेखक उसे दोबारा अपने पेपर की मदद से उड़ा देता है। कुछ समय बाद वो फेलो ट्रेवलर दोबारा से आता है और लेखक की गर्दन पर बैठ जाता है। इस वक्त लेखक कहता है, मैग्नानिमिटी एंड मर्सीफुल इज द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन। यानी कि लेखक इस समय कहता है, बस अब हद हो गई। लेखक उस वक्त उस फेलो ट्रेवलर को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फेलो ट्रेवलर हर बार लेखक को दोष दे देता है, यानी कि अपने आप को बचा लेता है। लेखक अपने पेपर से उस फेलो ट्रेवलर को मारने की कोशिश करता है, और जब लेखक उस फेलो ट्रेवलर को नहीं मार पाता है, लेखक उसके खिलाफ केस दायर करता है। और लेखक ये सोचता है कि जिस तरीके से एक क्रिमिनल को सजा दी जाती है, उसी तरीके से उसको भी सजा दी जाएगी, और उसके विरुद्ध कई धाराएं लगाता है, जिसमें से धारा नंबर 1, बिना टिकट यात्रा करना, लोगों को परेशान करना, और बिना मीट के कूपन होते हुए भी लोगों का खून चूसना। लेखक बुरी तरीके से परेशान हो जाता है, लेकिन जब लेखक कई बार प्रयास करने के बाद भी उस फेलो ट्रेवलर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, उस फेलो ट्रेवलर को नहीं मार पाता, एट दैट टाइम द राइटर बिकम ह्यूमिलिएटेड एंड फेल्स इंसल्टेड। तो एक क्वेश्चन होगा, व्हेन डिड द राइटर बिकम ह्यूमिलिएटेड, यानी लेखक अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कब करता है। तो जब लेखक उस सहयात्री को नहीं मार पाता, परेशान हो जाता है। तो बच्चों, अंत में हम क्या करते हैं? पहले तो हम किसी भी काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि अब हम उसे नहीं कर पाएंगे, एट लास्ट वी आर एट द सिचुएशन इन कंप्रोमाइज, तो हम बच्चों कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता कर लेते हैं। सेम थिंग्स द राइटर ऑल्सो डिड, राइटर भी ऐसा ही करता है, और वो अपने फेलो ट्रेवलर को मारने का प्लान छोड़ देता है और कहता है, आज से मैं आपको अब नहीं मारूंगा, बिकॉज इट इज द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेखक दोबारा से अपना पेपर शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। अब वो फेलो ट्रेवलर आता है और लेखक के पेपर पर बैठ जाता है। उस वक्त लेखक मुस्कुराता है और कहता है, पुअर फेलो, इफ आई विश, अगर मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हें इस पेपर के बीच में मारकर सैंडविच बना दूं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन, और मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो बच्चों, कुछ समझ में आया कि लेखक का फेलो ट्रेवलर कौन था? जी हाँ, बिल्कुल सही, लेखक का फेलो ट्रेवलर था एक छोटा सा जीव जिसके पंख होते हैं, यानी कि मच्छर। और जब लेखक उसे नहीं मार पाता, तो अंत में वो समझौता कर लेता है और कहता है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू।